किसी भी रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े रूठना मनाना लगा ही रहता है, लेकिन कई ऐसे भी रिलेशनशिप होते हैं जिसमें पार्टनर बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल किस्म का होता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते रहता है, लड़ाई झगड़े करते रहता है। और आपको पता होना चाहिए, किसी भी रिलेशनशिप में अगर बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पार्टनर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर रहा है, तो ऐसे में रिलेशनशिप काफ़ी जल्दी कमज़ोर हो जाता है, पार्टनर परेशान हो जाता है, क्योंकि हर कोई नहीं झेल पाता। जो गुस्सैल किस्म के पार्टनर होते हैं ना, इन्हें हर कोई नहीं झेल पाता। जो दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं ना, वही लोग गुस्सैल किस्म के पार्टनर को झेल पाते हैं, अधिकतर लोग नहीं झेल पाते। लेकिन आज मैं आपको गुस्सैल पार्टनर से डील करना सिखाऊंगा, कि अगर आपका पार्टनर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े करता है, तो आपको कैसे डील करना चाहिए, उसे कैसे कंट्रोल करना है, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। और डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने गुस्सैल पार्टनर को बड़ी आसानी से डील कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका जोश से जुनून चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि जिस रिलेशनशिप में जितना ज़्यादा प्यार होता है, उतना ही उसमें लड़ाई झगड़े रूठना मनाना भी लगा रहता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं, ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जहाँ पर पार्टनर हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करता है, जहाँ पर गुस्सा नहीं करना चाहिए वहाँ पर भी वो गुस्सा करने लग जाता है। यहाँ पर लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। कुछ रिलेशनशिप होती है जिसमें लड़का बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, कुछ रिलेशनशिप होती है जिसमें लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। तो इन्हें डील करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है, कि जब कभी पार्टनर आप पर गुस्सा करे या फिर कुछ भी बात को लेकर के गुस्सा हो जाए, झगड़ा करे, तो यहां पर आप उनसे बहस करने से बचे। सबसे पहला तरीका तो यही है, अगर पार्टनर आप पर गुस्सा करे, आपसे लड़ाई करना चाह रहे और आप भी उसके साथ बहस करने लग जाएंगे, तो आप दोनों के बीच में झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहां पर आप कोशिश करो कि जब आप पार्टनर गुस्से में है, आप पर गुस्सा निकाल रहे हैं, तो आप वहां पर बहस मत करो, बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, इग्नोर कर दो। इससे उसका जो गुस्सा है पार्टनर का, वो आधा तो वहीं पर शांत हो जाएगा। जब आप उसका रिएक्शन नहीं दोगे, उससे बहस नहीं करोगे ना, तो वहीं पर वो शांत हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, उसके गुस्से पर आपको कोई भी रिएक्ट नहीं करना है। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो जरा सी बात को लेकर के इतना ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं कि पूछो ही मत, और यहीं से फिर सारे झगड़े का स्टार्ट होता है। यार, अगर आपको रिलेशनशिप को लंबे टाइम तक चलाना है ना, आपको लाइफ टाइम साथ रहना है ना, आपको पार्टनर को हमेशा अपना बनाकर रखना है ना, तो यार छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना बंद कर दो। अगर वो कुछ बात को लेकर गुस्सा भी है ना, तो वहाँ पर आप एकदम से ज़्यादा रिएक्ट करोगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को हैवी दिखाओगे, ऐसा रिएक्शन दोगे कि आपने बहुत बड़ी बात बोल दी, तो ऐसे में रिलेशनशिप नहीं चलने वाला। तो पहली चीज़ कि अगर पार्टनर आप पर गुस्सा कर रहा है, आपस से झगड़ा करना चाह रहा है, तो वहाँ पर आप बहस करने से बचो। दूसरी चीज़ कि आप उसके गुस्से पर कोई भी रिएक्शन मत दो, रिएक्ट ही मत करो, इग्नोर मार दो, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा आपको, कुछ ऐसा सिग्नल दो। इससे उसका जो गुस्सा है ना, वो आधा तो वहीं पर ही शांत हो जाएगा। जब पार्टनर कोई छोटी सी बात को लेकर के आपसे झगड़ा करना चाहे और आप उस पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते हो, बहुत बड़ा एक रिएक्शन दे देते हो, तब जाकर झगड़े का स्टार्ट होता है और छोटी सी बात फिर बहुत बड़ी बात बन जाती है। लेकिन आप बहस करना ही नहीं चाहोगे, आप रिएक्ट ही नहीं करोगे, तो उसका गुस्सा वहीं पर शांत हो जाएगा। इसके बाद आप एक सही समय का इंतजार करो, जब उसका गुस्सा शांत हो जाए, तो आप प्यार से उसे समझाओ, यार इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करते। आप उसे ये एहसास दिलाओ कि आप जितना ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो ना, ये आपके ही सेहत के लिए अच्छा नहीं है, यार आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, यार आपके चेहरे को देखो क्या हो गया है, आपकी आंखों में पूरा डार्क सर्कल आ गया सिर्फ गुस्से की वजह से। और यार पता है, जब आप इतना ज़्यादा गुस्सा करते हो ना, तो आप ये फलाना फलाना गलती करते, तो उसको गलती गिना दो, यार आप ये गलती कर दी, यार आप वो गलती कर दी, यार आप मुझे भूल जाते हो, आप मुझे गालियां देते हो, आप मेरी रिस्पेक्ट करना भूल जाते हो, मतलब आप उनकी गलतियां गिनाओ उनको, जब शांत रहे तो। अगर वो गुस्से में रहे उसी टाइम पर आप उसे भूलोगे, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और लड़ाइयाँ हो जाएंगी। जब वो शांत हो जाए, तो बिल्कुल नरम लहजे से प्यार से उसे समझाओ ये बातें कि इतना ज़्यादा गुस्सा करना अच्छा नहीं है यार, आपके सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है यार, आपके देखो चेहरा कैसे हो गया यार, पूरा डार्क सर्कल आ गया आपके फेस में, अब तो देख कर ऐसा लगता है कि आपके फेस में बिल्कुल गुस्सा ही झलक रहा है, यार मत किया करो ना इतना गुस्सा, अच्छी चीज़ नहीं है। फिर आप उन्हें उनकी गलतियाँ भी गिना दो कि आप गुस्से में ये कर देते, आपको पता भी नहीं रहता। फिर जब आप उन्हें इस चीज़ के एहसास दिलाओगे ना, तो खुद में आपको सॉरी बोलेगा, वो माफ़ी मांगेगा।
ठीक है, वो लड़की रहे चाहे लड़का रहे, जब आप उन्हें प्यार से समझाओगे, प्यार से उसे बताओगे ना, तो जरूर से उसे एहसास होगा और वो सॉरी बोलेगा या फिर बोलेगी। क्योंकि आपके और मेरे साथ ही नहीं, हर किसी के साथ होता है, जब आप गुस्सा में हम होते हैं ना तो हमें कुछ भी समझ नहीं आता, जो मर्जी वो कर देते हैं। एक कहावत है कि गुस्सा हर चीज़ को तबाह करने की क्षमता रखता है, और वाकई में ये कहावत बिल्कुल सच है। इंसान गुस्से में कुछ भी कर सकता है। मैंने ये तक देखा है कि जो इंसान अपने पार्टनर को कभी छोड़ना ही नहीं चाहता, जिसके बगैर उसकी जान जाती थी, लेकिन गुस्से में उसे भी वो छोड़ देता है, त्याग देता है। मतलब गुस्सा सर्वनाश करने में इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि पूछो ही मत। इसलिए जब आप पार्टनर गुस्से में हो तो उसे बहस मत करो, उसके गुस्से पर रिएक्ट ही मत करो। जब वो शांत हो जाए तो सही समय देख करके आप उनसे प्यार से बात करो, प्यार से उसे समझाओ, और ये भी बताओ कि वो गुस्से में कितनी सारी गलतियाँ करता है। क्योंकि हर किसी की बात है, गुस्से में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है, हमसे भी होती है, आपसे भी होती है, हर किसी से होती है। क्योंकि गुस्से में हमें कुछ समझ नहीं आता, जो नहीं करना चाहिए हम वो भी कर देते हैं। तो ये सारी गलतियाँ उसे गिनाओ, उसे एहसास दिलाओ, फिर देखना धीरे धीरे करके वो समझने लग जाएगा और आप पर गुस्सा करना भी कम कर देगा। और ऐसा तो नहीं हो सकता यार कि किसी भी रिलेशनशिप बिना लड़ाई झगड़े के चल जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार। क्योंकि जहाँ पर प्यार होगा ना वहाँ पर लड़ाई झगड़े तो होंगे ही होंगे, लेकिन जिस लेवल की जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे ना वो बिल्कुल शांत हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आप दोनों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा गहरा हो जाएगा। और एक ज़रूरी बात जो आप हमेशा याद रखना, जब कभी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो, कुछ भी बात को लेकर के वो गुस्सा करे पार्टनर, तो याद रखना उस झगड़े की वजह कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। अगर आप दोनों के बीच में किसी भी बात को लेकर तुसु मैं होता है, कुछ भी लेकर कोई झगड़ा होता है, फिर पार्टनर आप पर गुस्सा कर रहा है, तो इसका वजह कोई तीसरा शख्स नहीं होना चाहिए। ऐसे में आप दोनों की जो रिलेशनशिप है ना वो कुछ ही दिनों का मेहमान रहेगा। याद रखना, अगर आज के टाइम पे कोई भी रिलेशनशिप खराब होता है, कोई भी रिश्ता टूटता है, तो उसका वजह सिर्फ कोई तीसरा शख्स ही होता है। इसलिए याद रखना, कुछ भी मैटर को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो लेना, लेकिन झगड़े की वजह कोई तीसरा शख्स नहीं होना चाहिए, वरना इस झगड़े का फिर कोई इलाज ही नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। जब तक कि रिश्ता ख़त्म नहीं हो जाता तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। तो अगर आपके भी बीच में कोई ऐसा चीज़ है जो किसी तीसरे की वजह से झगड़े हो रहे हैं, किसी तीसरे की वजह से आप पर गुस्सा किया जा रहा है, तो जो तीसरा शख्स है ना उसे पूरी तरीके से लाइफ से हटा दो, निकाल दो, आप दोनों के बीच में झगड़ा यूं ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब रिलेशनशिप में, जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा शख्स एंट्री मारना चाहता है ना, तो वहीं पर से झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप दोनों के बीच में भी अगर ऐसा कुछ सीन है, कोई तीसरा शख्स घुसना चाह रहा है और उसी तीसरे शख्स की वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, पार्टनर गुस्सा कर रहा है, तो तीसरा जो शख्स है ना उसे रिमूव मारो, ब्लॉक मारो, निकाल दो लाइफ से। आप दोनों के बीच में जो झगड़े हो रहे थे ना वो 50% यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो हो गए गुस्से वाले पार्टनर से डील करने का तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ कि गुस्सा को परमानेंटली ख़त्म कैसे कराएं। तो इसके लिए जितना ज़्यादा हो सके आप अपने पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करो। जाहिर सी बात है, जब हम किसी इंसान के साथ रहते हैं ना, तो हमें यह पता चल जाता है कि पार्टनर को क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता। तो आप वही करो जो पार्टनर को पसंद हो। साथ में घूमने चले जाओ, साथ में डिनर करो, कहीं बाहर घूमने चले जाओ, इंजॉय करो, मज़े करो। मतलब जितना हो सके करीब रहो, मिलो। एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा, जो हम रिलेशनशिप में रहते हैं तो जितना दूर रहते हैं उतना ही हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम करीब आ जाते हैं, जैसे हम मिलते हैं, तो सारा झगड़ा क्लियर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप दोनों मिलते ही नहीं हैं तो कोशिश करो कि टाइम टाइम पे आप लोग मिलते रहो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मिलोगे ना उतना ही आप लोगों की रिलेशनशिप बिल्कुल फ्रेश रहेगा और लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। क्योंकि मिलने से बहुत सारे झगड़े वहीं पर ख़त्म हो जाता है यार। अगर एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर आपका पार्टनर बहुत सारे ऐसे गुस्सा लेकर के बैठा है कि इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन जैसे ही आप दोनों के मीटअप होकर मिलोगे ना एक प्राइवेट स्पेस पर, तो वो सारे झगड़े वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। प्यार से किसी भी कर दोगे ना तो उसका सारा गुस्सा वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कोशिश करो, मिलते रहो, आप बीच बीच में आप लोग टाइम दो अपने आप को, क्योंकि रिलेशनशिप में ना मिलना बहुत ज़रूरी है, मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं मिलते ना तभी तो झगड़े होंगे, और अगर आप मिलते रहेंगे तो आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत ही कम होने लगेंगे। मैं आपको एक फ्रेंड की स्टोरी बता रहा जो अभी करंटली की है, कि ये मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, उन दोनों के बीच में काफ़ी सारे झगड़े हुआ करते थे। मैंने उसे बस ये कहा कि आप लोग मिलते ही नहीं हो दोनों, तो कोशिश करो महीने में 2 से 3 बार आप लोग मिलो। फिर इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा मिलना जुलना स्टार्ट हो गया, मतलब महीने में 3 से 4 बार लोग मिलते ही थे, प्राइवेट स्पेस उन लोग मेंटेन करते थे, क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करते थे।
उसके बाद से उन दोनों के बीच में झगड़ा ही खत्म हो गया। उसकी जो गर्लफ्रेंड थी ना, वो ये बोलने लगती थी कि यार आजकल हम लोग झगड़े नहीं होते, क्या बात है, पहले हम लोग काफ़ी झगड़े होते थे, आजकल झगड़े ही नहीं हो रहे हैं, क्या हो गया, कैसे ऐसे हुआ। और इस सारा खेल किसका था, मेरा, क्योंकि इन दोनों मिल नहीं रहे थे, अब मिलना स्टार्ट कर दिया और मिलने से काफ़ी सारी नाराज़गी दूर हो जाती है। देखो यार, अगर छोटी सी कोई नाराज़गी है ना, तो जब उसे पाल के रखोगे ना तो और बड़ी होते होते बहुत बड़ी बन जाती है, लेकिन अगर आप उसको वहीं पर सॉल्व कर देते हो ना तो वहीं पर वो ख़त्म हो जाता है। और ये चीज़ पॉसिबल हो पाता है मीटअप से, जब आप मिलोगे, क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करोगे तो वहाँ पर ये सारी नाराज़गी दूर हो जाती है। तो कोशिश करो कि आप टाइम टाइम पर मिलो, एक दूसरे के साथ टाइम एक्सपेंड करो, साथ में घूमने जाओ, साथ में डिनर करो, यार देखना जिंदगी ना जन्नत लगने लग जाएगी, और जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे ना वहीं पर खत्म हो जाएगा। और लास्ट टाइम एक पॉइंट और मैं आपको बताकर जा रहा हूँ, शायद आप इस चीज़ को फॉलो कर पाओ, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रोमांटिक बातें करो। जब आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हो ना, तो आप कोशिश करो कि रोमांटिक बातें करो, ज़्यादा सैड सैड मत रहो, अलोनली बातें मत करो। जब आप लोनली लोनली बात करोगे ना, एकदम अलोन वाली बात करोगे, सैड सैड सी बातें करोगे, तो पार्टनर भी बोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, फिर और झगड़ा बढ़ जाएगा। तो कोशिश करो कि जब पार्टनर आप पर गुस्सा कर रहे हैं तो आप रोमांटिक बातें करो, फिल्मी डायलॉग मारो, और हो सके तो उसे झूठ मूठ की कहानी बताओ कि यार आज मैं एक मूवी देख रहा था, पता है उसमें ना क्या मस्त किसिंग सीन था यार, यार हम लोग भी ऐसा करें ना, मतलब कुछ भी ऐसी बातें बनाओ, बट कोशिश करो कि रोमांटिक बातें करो। और हो सके तो नाइट में बात करो, क्योंकि नाइट में प्यार की बातें ही होती है, दिन होती इतने सारे डिस्टर्बेंस रहते हैं, काम का टेंशन, घर का टेंशन, बहुत सारे यहाँ पर टेंशन होती है, तो अच्छे से बात नहीं हो पाती। लेकिन नाइट में अगर आप बात करते हो ना, तो नाइट में प्यार की ही बातें होती है और रोमांटिक बातें करो। यार देखना धीरे धीरे करके आप दोनों के बीच जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे, जो पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था, वो सारा चीज़ें को आप इजीली डील कर पाओगे। आप एक बार इन ट्रिक को फॉलो करो, मैं आपको जितने भी यहाँ पर पॉइंट बताया ना सबको नोट कर लो और एक एक करके फॉलो करो, आपको वन मंथ में रिजल्ट मिल जाएगा। और कमेंट में जरूर बता कर जाना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।